हेलो, वेलकम टू माय जान सफ़र पे। मैं हूँ नीलेश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और मैं हूँ इस टाइम अपनी बाइक होंडा हाइनर के साथ, जो कि मैं लेकर आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से पार्क में। सोचा कि आपका एक वीडियो शेयर कर ली जाए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो जुड़ी है मेरे टूर से। और टूर के दौरान मैं क्या लगेज यूज़ करता हूँ अपनी बाइक पर, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने टूर के दौरान एक अपने जो साथ लगेज यूज़ करता हूँ वो है टैंक बैग, मेरा मैग्नो पैड राइनोस का, जो मैं अपनी बाइक में यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों की डिमांड पर आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप हम टूरिंग के दौरान कौन सा लगेज यूज़ करते हो, कौन से सैडल बैग यूज़ करते हो। तो मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ भाई वीडियो, जिसमें मैं आपको शेयर करूँगा अपने कुछ टूरिंग के लगेजेस के बारे में कि कौन से लगेज मैं यूज़ करता हूँ अपने साथ। ये है राइनोस के ही सैडल बैग, जिसका नाम है राइनोस ड्राई स्टैक स्टॉर्म प्रूफ। इसको पूरा नाम इसका यही है, स्टॉर्म प्रूफ। भाई ये तूफानों में भी भाकड़ है, इसलिए इसका नाम स्टॉर्म प्रूफ रखा हुआ है। इसका जो ऊपर का पोर्शन, ये ना आपके जो सामान है इसके अंदर, उसको काफ़ी हद तक बारिश से बचा लेता है। पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं कहूँगा, मगर इसमें जो बौछारें पड़ती हैं बारिश की, उससे तो आपको आराम से बचा लेगा। आपको रुकने की जरूरत नहीं है उसके लिए, कहीं छाए में कहीं शेड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, इसके अंदर कितना स्पेस है उसके बारे में, कितने लीटर का है उसके बारे में। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ेगा, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर लाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाकर लाऊंगा। चैनल जितना ग्रो करेगा उतना ज़्यादा मैं और ज़्यादा ट्रैवल कर सकूंगा, उतना ज़्यादा मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे की तरफ, अपने ड्राई स्टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हैं ड्राई स्टैक्स, राइनोस के ड्राई स्टैक्स सैडल बैग्स, स्टॉर्म प्रूफ। और बात करूँ इसकी कैपेसिटी की, तो ये है 30 लीटर्स के, एक जो पैक है वो 30 लीटर्स का, यानी दोनों पैक 60 लीटर्स के हैं। कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं, अपने कपड़े, लगेज, आपका लैपटॉप हो गया, आपके जो रेनकोट होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, बाइक का कवर हो गया, और उसके साथ आप खाने पीने की चीज़ें भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप जा रहे हैं अपने टूर पे 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आपके लिए ये जो लगेज है सैडल बैग्स, ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। इसके स्ट्रैप देख सकते हो आप, कितने ज़्यादा दमदार स्ट्रैप है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। जबकि राइनोस ने बनाया तो क्वालिटी ऑब्वियस बहुत अच्छी देगी। और इसके जो लॉक हैं यहाँ पे देखो, लॉक भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इतने आसानी से आपके नहीं है कि ढीले ढीले पड़े हों, कभी खुल के गिर गए, इसको अच्छा खासा प्रेस करना पड़ता है आपको, उसके बाद ही ये बाहर आते हैं। तो आइए, इसको खोल दिया हमने और इसके अंदर से कुछ सामान निकाल लूँ, इसके बारे में आपको बाद में दिखाऊँगा, यहाँ रख देते हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसका अंदर का स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कुछ इस तरीके का इसका स्पेस है, आप देख सकते हो ऐसे अंदर, जिसके जो क्रीम कलर का पूरा इसका जो अंदर का पोर्शन है, और काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्पेस है। और अगर आपका लगेज इससे ज़्यादा है तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसके स्पेस को बढ़ा भी सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देख के आपको मज़ा आ जाएगा। देखो लग रहा है करीब डबल हो गया ये, है ना, तो कितना ज़्यादा स्पेस बन जाता है आपके सैडल बैग्स में, तो ये कमाल की चीज़ है। और अंदर से देखो आप इसके, देखो कितना ज़्यादा स्पेस हो गया इसके अंदर, मतलब कितना सारा सामान आपका आ सकता है एक ही तरफ के सैडल बैग्स में। आप खुद सोच सकते हो कि आपको स्पेस की कमी नहीं मिलने वाली है। एक तो आपके पास मैग्नो पैड टैंक आपके पास हो गई, दूसरा आपके पास दो तरफ सैडल बैग्स होंगे तो आपके पास स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है। लैपटॉप रखो, कपड़े रखो दुनिया भर के, और ठंडे वाले कपड़े रखो, जैकेट रखो, खाने पीने के आइटम रखो, सब कुछ आराम से आप कैरी कर सकते हो। मेरे ख्याल से दो बंदों का आराम से कैरी कर सकते हो दोनों लगेज में। तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर स्पेस है। और ये बता दूँ, ये जो पोर्शन है ये वाटरप्रूफ है। आपके अगर बाहर से बुछारें पड़ती भी हैं तो अंदर कुछ सामान रखा है, ये बाहर का पोर्शन भले गीला हो जाए, अंदर का जो पोर्शन है ये काफ़ी हद तक आपका बचा रहेगा। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो राइनोक्स आपको देता है एक और रेन कवर इसके ऊपर लगाने के लिए, जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और उसकी वजह से आपका जो ये सैडल बैग है पूरी तरीके से कम्प्लीटली एकदम जो है आपका वाटरप्रूफ हो जाएगा, रेन प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं। अंदर तो यही स्पेस है जो मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस और कुछ अंदर चोर पॉकेट इस तरह कुछ भी नहीं है। बाहर से आपको दिखा दूँ, बाहर से है यहाँ पर, यहाँ पे अपना आपने जो चप्पल है वो आप एक्स्ट्रा वो आप कैरी कर सकते हो, और छोटी मोटी आइटम्स तौलिए होते हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो। आप चाहते हो वाटर बॉटल भी तो आप कैरी कर सकते हो, मगर ढकने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसको आप पैक कर देते हो, इसको आप पूरा इस तरीके से लगा देते हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार अपने बैग को खोलो रास्ते में, क्योंकि आपका जो ज़रूरी सामान है जो आपको होटल में जाके खोलना है वही आप इसमें रखो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप चाहते हो बाकी चीज़ें कैरी करना जैसे वाटर बॉटल, तो उसके लिए आपको साइड में देखो इसकी इलास्टिक बड़ी अच्छी है, ये स्ट्रेचेबल है, ताकि आपकी बोतल जो आप रखते हो ना वो बोतल आपकी बाहर ना निकल के छलक के गिर ना जाए। इसलिए ये जो पोर्शन है ये एक छोटा है इसका, और अंदर गहराई है इसके, तो ये वाटर बोतल रखने के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप दो वाटर बोतल एक लीटर की आराम से इसमें फिट कर सकते हो, बड़े आराम से रख सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका बाहरी स्पेस है काफ़ी अच्छा है ये पॉकेट। और अगर आपको ज़रूरी सामान कुछ और बाहरी रखना है, आप चाहते हो बाहरी रहे,
तो वो आप यहाँ पे इधर एक साइड पकड़ हो रहा है, इसमें कैरी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास नैपकिन है, आपको नैपकिन रखना है या फिर ग्लव्स हैं आपके, तो आपको रास्ते में यूज़ पड़ना पड़ जाता है, कई बार उतारना पड़ जाता है, तो आप चाहते हो फटाफट इसमें रख दूँ। टैंक बैग आप लेकर नहीं जा रहे हो बाई चांस, तो आप इसमें आराम से डाल सकते हो। बाकी आप नैपकिन टाइप की चीज़ें और छोटे मोटे स्नैक्स चिप्स के पैकेट वो सब भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको पूरा बैग खोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट यहाँ से निकाला रास्ते में, अपना खाया पिया और निकल लिया आगे की तरफ। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा सैडल बैग है आपको जो मैंने दिखाया। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सैडल बैग जो हैं कैसे फिट कर रहे हैं अपनी बाइक में। बहुत ही आसान काम है इनको फिट करना और कैरी करना बहुत ही आसान है इनको। देखिए ये इसको इधर लगाया, इधर के दो तरफ फिट कर लिया, साइडल स्टेज में लगा रखा अपनी बाइक में, जिनकी वजह से इनकी दूरी बनी रहेगी मेरे साइलेंसर से बाइक की। और ये इसके जो है स्ट्रैप्स हैं, देख सकते हो दो स्ट्रैप्स मेरे पास हैं यहाँ पे, ये दो स्ट्रैप्स हैं मेरे पास। अब इसको ऐसे खोलो, बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी, तो इसके अंदर यहाँ पे डाल के फिट करते हैं इसको, यहाँ से निकालते हैं स्ट्रैप्स। देखो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये हो गया फिट। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बहुत ही सिंपल है। और आप इसको अपने हिसाब से जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको सीट आपकी जो है उसको लग रहा है कि लटक रहा है, तो उसको और खींच के और टाइट कर सकते हो। देखो ये आपका फिट हो गया, वैसे दूसरे को मैं बताता हूँ फटाफट करके। तो ये आपका, ये देखो कितने प्यार से फिट हो गया। चलिए ये तो हो गया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके सैडल बैग जो हैं ये आपकी बाइक में इस तरह से लग गए। मगर ये अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, ये आपके आगे पीछे खिसकते रहेंगे और आपको दिक्कत देते रहेंगे, और गिरने का भी डर है, एक तरफ झुकने का भी डर है, कहीं ऐसे उड़ गया, कहीं यहाँ से इधर उड़ गया। तो ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी पूरा इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले तो आप इसको और पीछे ले लीजिए और बैग, ताकि थोड़ा सा और पीछे हो जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये आप देख रहे हो स्ट्रैप, ये स्ट्रैप जो है इस बाइक के पीछे जिसका कैरियर है, यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको लॉक इसका, यहाँ पर इसके अंदर से आप निकालो इसको कुछ इस तरीके से। देखो ये आपका आ गया, और यहाँ से आप इसको दोबारा घुमाकर लॉक कर लो, अभी आपका हो जाएगा फिट। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये हो गया आपका फिट एकदम बढ़िया। अब आप इसमें क्या है कि आपका बैग जो है आगे नहीं खिसकेगा, ये बैग जो आपका यहीं पर रहेगा, इतना आगे जाएगा, इसके बाद यहाँ पर अटक जाएगा, लॉक हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि ये ऊपर इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, तो ये इधर उधर से बचाने के लिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है, जो है इसका यहाँ का लॉक। देखो लॉक नहीं है, ये हैंग करने वाला है, ये जो पीछे जो बैठते हैं पिलियन के लिए, जो पैर रखने के लिए होता है, इसके अंदर ये ऐसे फंसा लीजिए, और उधर से भी ऐसे फंसा लीजिए। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये कुछ देखो इससे पता चला कि हाइट इसकी ऊंची थी। अब ये हो गया सेट यहाँ पे भी, अब ये हो गया प्रॉपर फिट, आप देख सकते हो प्रॉपर फिट हो गया। अब ये बैग ना आपका उछलेगा ऊपर की तरफ, ना आपका बैग जो है ये आगे की तरफ खिसेगा, क्योंकि आपके पीछे से इसमें ये लॉक वाली पट्टी लग गई है, स्ट्रैप लग गई है, तो ना आगे जाएगा, ना ही ऊपर उछलेगा, और ना ही एक तरफ झुकेगा, क्योंकि ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो ये रोक लेगा। तो ये प्रॉपर आपकी सेटिंग हो गई है सैडल बैग की। तो देखो कुछ इस तरीके का इस पर लुक आ रहा है, देखो। और एक चीज़ और देख लो आप, जो साइलेंसर है और साइलेंसर से सैडल बैग की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो देखो आप कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो आप इस बात को भूल ही जाओ कि आपका जो बैग है ये गर्म होकर फटने का डर है, साइलेंसर पर चिपकने का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है इसमें, और जब लगेज इसके अंदर आता है, लगेज आने से थोड़ा बाहर पड़ता है, तो भी देखो डिस्टेंस कितना है इसका, आधा डिस्टेंस जो है इतना कवर हो जाता है भले ही, मगर इतना जो गैप है हमेशा आपका रहेगा, इतना गैप कम से कम बना रहेगा, दूरी अच्छी खासी रहती है इसमें। तो आपके बैग के गर्म होकर फटने का, साइलेंसर लगने का भी डर खत्म हो जाता है। अब फाइनल बात कर लेते हैं जो है इसके वाटर प्रूफ होने की, इसको बारिश से कैसे बचाएँ। तो बारिश से बचाने का भी तरीका है अपने पास, वो मैं आपको दिखाया था। तो बारिश से बचने के लिए राइनोक्स देखो हमको इसमें भी देता है वाटर प्रूफ रेन कवर, जैसा हमको देता है मैग्नोपैड में, वैसा ही आपको राइनोक्स सैडल बैग्स के लिए भी देता है, दोनों तरफ के लिए। और ये भी लगाने बहुत आसान है, जिससे आपके जो बैग है ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हो जाएगा, एक बूंद पानी आपके बैग के अंदर जा नहीं सकता है।
एक्चुअली सामान होता है ना तो ज़्यादा आसानी से लग जाता है, बिना सामान के ज़्यादा मुश्किल होती है लगानी उसको। सामान होता है तो ये थोड़ा टाइट होता है, फिटिंग ज़्यादा आसानी से हो जाती है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी आसानी से होगी। तो आप देख सकते हो अब प्रॉपर पूरी तरीके से आपका जो बैग है पूरी तरह से कवर हो गया है डायनोस ग्रेन कवर से, अब इसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता है इसके अंदर। चलिए ये तो बात हुई सैडल बैग की, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं अब कि कितने का पड़ेगा। तो ये आपको राइनोस की वेबसाइट पे डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा ड्राई स्टैक्स के नाम से, ड्राई स्टैक्स स्टॉर्म प्रूफ के नाम से, और इसकी प्राइस जो है 3890 रुपीज़ है, 3890 रुपये इसकी प्राइस है जो कि आपको राइनोस साइड में मिलेगी। साथ ही अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, वहाँ पे आएगी तो शायद किसी डिस्काउंट के साथ भी आ जाए, नहीं तो आप बाहर डीलर पे भी आ सकते हैं राइनोस के, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है वहाँ पे कोई डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड करा दे। मगर आपको अगर ये ख़रीदना है ऑनलाइन तो मैं देखता हूँ, अगर इसका लिंक मिलता है तो आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप दे सकते हो, उस बैग को जाकर खरीद सकते हो। तो यहीं पे अपने व्लॉग का मैं एंड करूँगा, मगर उसके साथ ही मैं आपसे एक और बात शेयर करने वाला हूँ और वो है इन सैडल बैग्स की गिव अवे की, जो मैं जल्दी करने वाला हूँ। जैसे मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 10,000, वैसे ही मैं इन सैडल बैग्स का जो है 3900 के उसका मैं गिव अवे करूँगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड सैडल बैग्स मैं आपको देने वाला हूँ इस गिव अवे के ज़रिए। जिसके लिए आपको करना क्या है, केवल कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको जाना है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए जो है safar_blog। तो वैसे दो काम आपको करने हैं, और जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उसके अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं अनाउंस करूंगा अपने गिव अवे विनर का। तो जाइए, देर किस बात की है, अपनी फैमिली जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और अच्छे और टूरिंग वाले ब्लॉग्स मिलेंगे। चलिए जब तक मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी मिलूँगा आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पर निकलें सफ़र पर याद रखना।